अगर आपकी फोरस्किन भी टाइट है, आपका पीनिस इरेक्ट होने के बाद आपकी ये फोरस्किन पीछे नहीं जा पाती है, आप ढंग से सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप सेक्स करते हैं तो ये रिंग सा बन के फंस जाती है या कई बार ऐसा फूल जाती है जैसे पानी सा भर जाता है या बहुत दर्द करने लग जाती है, अगर आपके साथ भी ऐसी समस्याएं हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। मैं डॉक्टर अरोड़ा क्लिनिक का फाउंडर हूँ और हमारे क्लिनिक दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली तीनों जगह पर हैं। उसके साथ हमारी वेबसाइट drarodas.com के थ्रू हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं। और पिछले 20 साल से भी ज्यादा वक्त के दौरान में मैंने और हमारी टीम ने मिलकर कम से कम 1.5 लाख लोगों की मदद की है उनके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और बहुत सारी सेक्स समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। चलिए आज के टॉपिक को लेके हम बात करेंगे कि जिन लोगों की फोरस्किन टाइट होती है उसको कहते क्या है और उसका हल कैसे होता है। जिनकी फोरस्किन टाइट होती है उसको मेडिकली फिमोसिस बोला जाता है। जब आपका पीनिस पूरा टाइट खड़ा होता है और आप अपनी फोरस्किन को ऐसे पीछे नहीं कर पाते हैं, आपको फोरस्किन आगे रखे रखे कईयों की तो पूरे तरीके कवर्ड रहती है, कईयों की थोड़ी सी पीछे आती है, कईयों की आधी सी पीछे आती है, मगर अल्टीमेटली वो पूरी पीछे नहीं आ पाती है, तो ये फिमोसिस के ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हुआ करते हैं। सो यदि आपको किसी को भी ऐसी समस्या आ रही है तो जिन लोगों की स्किन थोड़ी सी पीछे आती है या आधी पीछे आती है, अब उनके लिए पहले मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं। वो लोगों को कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल लगा के इसको स्किन को आगे पीछे डेली मसाज करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि स्किन धीरे 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 लूज होती जाएगी। नो डाउट जब आप मसाज करने लगेंगे तो आपका पीनिस इरेक्ट भी हो जाएगा, मगर आपको उस टाइम पे मैस्टरबेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर आपका ध्यान उस तरफ जाता है तो थोड़ी देर के लिए इसको रोक दीजिए, बिकॉज हमारा मकसद होता है इस फोरस्किन की एक्सरसाइज करके, स्ट्रेचिंग करके इसको लूज करना और इसको उस लेवल पे लेके आना कि ये आराम से पीछे हो जाए। मगर जिन लोगों को कंप्लीट फिमोसिस होता है कि ये फोरस्किन ऐसे पूरी आगे तक रहती है, ये बिल्कुल भी खुलती नहीं है, बिल्कुल पीछे नहीं जाती, उनको अपने एरिया में किसी अच्छे सर्जन से मिलना चाहिए। वो चाहें तो किसी यूरोसर्जन से मिलें, चाहें तो किसी नॉर्मल जनरल सर्जन से भी मिल सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ आपके आसपास जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर जो भी जनरल सर्जन अच्छे सर्जन होते हैं, वो उन जनरल सर्जन के पास जाके आप इसकी सर्जरी करवा सकते हैं। ये बहुत मामूली सी माइनर सी सर्जरी होती है और बड़े आराम से हो जाती है। आपके सर्जन इसके बारे में आपको पूरे तरीके गाइड करेंगे, बट अगर आपका थोड़ी फोरस्किन खुल रही है फिर आपको अभी सर्जरी के बजाय कोकोनट ऑयल से ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अब आप इसके सोल्यूशन पर काम कीजिए और धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकलिए, ताकि आने वाले कल में जब आप इससे रिकवर कर जाएंगे तो आप भी सेक्स को आराम से इंजॉय कीजिए, टाइट स्किन फोरस्किन के फिमोसिस की किसी तरीके की आपको भी समस्या ना हो। और इसके अलावा यदि आपको किसी भी तरीके की कोई सेक्स की समस्या है, चाहे वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो या पीनिस का साइज छोटा लगता है या आपकी सेक्स की इच्छा नहीं होती है, किसी भी तरीके की अगर आपको कोई सेक्स समस्याएं रहती हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने घर पे बैठे बैठे, अपने घर के कंफर्ट जोन में, अपने घर की 100% प्रिवेसी की जोन में आप हमारे डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हैं या वीडियो कॉल के थ्रू भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। कीप एंजॉयिंग ग्रेट सेक्स लाइफ।